लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। अब रिजल्ट 4 जून को आने हैं। इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं जिसने हैरान करने वाले आंकड़े सामने लाए हैं। इसे लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती दिख रही है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी व विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ एग्जिट पोल आए हैं, 4 तारीख को अलग ही माहौल होगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज सिर्फ एग्जिट पोल आए हैं, 4 तारीख को अलग ही माहौल होगा। भाजपा की 10-15% सीटें बढ़ रही है, भाजपा अकेले 350 जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और विकसित भारत का संकल्प सबसे बड़ा हिट मुद्दा रहा। वो बात कर रहे हैं, फटाफट खटाखट कह रहे हैं, हम मोदी के विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी नतीजों के बाद थाईलैंड जाएंगे, उसके बाद जो पारिवारिक कंट्रोल की पार्टी है वो कहेंगे कि तो हमने क्या किया, ये तो खड़गे जी ने किया, खड़गे जी अध्यक्ष, खड़गे जी ने सारी गड़बड़ी कर दी, खड़गे जी बदले जाएंगे। भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा, खड़गे जी ने आज एक आंकड़ा दिया है, लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को 295 सीटें, यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कांग्रेस 328 सीटों पर लड़ रही है लेकिन उसे 300 सीटें मिलने की उम्मीद है। अगर उनका स्ट्राइक रेट 80% भी है तब भी उन्हें 300 सीटें नहीं मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान खत्म हो गए हैं। शनिवार को आखिरी चरण के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आएंगे जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान है। ऐसे में विपक्षी दलों की टेंशन और बढ़ गई है। इन सब के बीच अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सभी उम्मीदवारों के साथ एक आभासी बैठक में शामिल होने वाले हैं। पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि रविवार 2 जून को पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर वे उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बुलाई गई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया कि सुबह 11 बजे बैठक के बाद खड़गे और गांधी दोपहर 1 बजे देशभर के प्रमुख कांग्रेस नेता के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पार्टी के अन्य नेताओं के वोटों की गिनती के 4 जून के आंकलन और तैयारियों पर चर्चा करने के लिए बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि दोपहर 1 बजे होने वाली बैठक का सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह बैठक शनिवार 1 जून को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष के इंडिया ब्लॉक की बैठक के ठीक एक दिन बाद हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, सीपीआई, डीएमके, जेएमएम, आप, राजद, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के नेता चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एकत्र हुए थे। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।